दोस्तों, भविष्य मालिका पुराण ये एक ऐसी किताब है जो कि आज से 600 साल पहले ही कोरोना वायरस की महामारी के बारे में दुनिया को बता दिया था। 1 जनवरी 2024 में आए जापान के अर्थक्वेक के बारे में भी बता चुका था और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो कि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा इसके बारे में भी बताता है। आने वाले भूकंप के बारे में भी बताता है जो कि इतना इंटेंस होगा कि कई पहाड़ी नदियां बन जाएंगी और नदी पहाड़ बन जाएंगे। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा कि ये बता पाना मुश्किल है। और ये किताब भविष्य बताती है कि दुनिया में आगे क्या क्या होने वाला है। भविष्य मालिका के हिसाब से साल 2020 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। अब जरूरी बात यह है कि भविष्य मालिका और जितने भी पुराण हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही है, उनका संदेश सही है, उनका बताना सही है, उनका हिंट सही है, उनका चेतावनी भी सही है। दोस्तों, इस किताब का इनडायरेक्ट सिग्नल जो है वो सही है, लेकिन गलत ये हो रहा है कि इस पुराण को गलत तरीके से ट्रांसलेट करके कुछ नई चीजों को खुद से जोड़कर अभी के समय पर फैलाया जा रहा है। तो आखिर कहां से आया ये किताब? तो ये किताब 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब साल 2020 में कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में तबाही मचाया। आज से 600 साल पहले 16वीं सदी में भारत के उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। कहा जाता था कि उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि ये भूत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से आभास कर पाते थे और दुनिया किस राह पे जाने वाली है ये इनको पहले ही पता था। योगा, तंत्र, आयुर्वेद, इन सब फील्ड में इनका अपार ज्ञान था और इन्होंने ही इस भविष्य मालिका किताब को लिखा था। इस किताब के पास हमेशा भगवान जगन्नाथ की फोटो इसलिए होती है क्योंकि ये किताब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से एक बहुत गहरे तरह से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग अब अंत होने वाला है। ये किताब पीपल के पत्तों पर लिखा गया था। तो भविष्य मालिका आखिर क्या कहती है हमारी दुनिया के बारे में? कोरोना वायरस जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस का एक लिंक है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो क्या है वो लिंक? भविष्य मालिका में 600 साल पहले ये लिखा हुआ था कि जगन्नाथ टेंपल के पास जो पूजनीय बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पवाता, ये जब भी उखड़ेगा किसी भी कारण से तो क्योंकि ये भगवान खुद स्वयं पेड़ के रूप में है तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक हो। और ये लिखा गया था कि अगर ये पेड़ उखड़ेगा तो किसी भी कारण से तो दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। और हुआ ये कि उड़ीसा में साल 2019 के अप्रैल महीने में फैनी साइक्लोन आया और 600 साल पुराना बरगद का पेड़, जिसको 600 सालों तक कुछ नहीं हुआ था, अप्रैल में वो टूट गया, उखड़ गया और ऐसी तरह से डैमेज हुआ कि जैसे 600 सालों में कभी नहीं हुआ था। और इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सच में दुनिया में आ गई जिसने सही में लाखों लोगों की जान ले ली, जिसका नाम था कोविड-19। और ये दुनिया के सबसे प्रचंड महामारियों में से एक बना। और अब दूसरा भविष्यवाणी है कि कलयुग का उम्र कम होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग भविष्यवाणियां हैं तो जय श्री जगन्नाथ लिखकर सब्सक्राइब भी कर लेना।